गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। हमेशा की तरह आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में भी बहुत सारी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हैं जो आपको पता चलनी चाहिए। पिछले एक हफ्ते से स्टॉक मार्केट करेक्ट होते जा रहा है और यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी के साथ साथ बहुत सारे शेयर्स की वैल्यू गिरते जा रही है। मार्केट की इस करेक्शन को लेकर रामदेव अग्रवाल का कहना है कि मार्केट जो नीचे जा रहा है वो उसी तेजी से ऊपर जाएगा और 2022 में मार्केट में बहुत बड़ा बुल रन आएगा और ये इसी की तैयारी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में नया नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए काफी सही है, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर जो हैं वो 52 वीक लो के आसपास हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने मेट प्लस के आईपीओ के लिए अप्लाई किया है तो मेट प्लस के आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है। अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको शेयर्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। टाटा पावर ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में 1400 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट्स को इंस्टॉल किया है और इसी वजह से दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल करते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करूं तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में काफी अच्छा राइज देखने को मिला है। रिसेंटली आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के पास से क्लैरिफिकेशन मांगा था इसके एनपीएस को लेकर। आरबीआई का कहना है कि आईडीबीआई बैंक के कस्टमर सांगवी एक्सपोर्ट्स एक एनपीएस में कन्वर्ट हो चुका है और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन आईडीबीआई बैंक ने आरबीआई को ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 16 करोड़ के आसपास है, इससे ज्यादा की नहीं है। तो पिछले हफ्ते अगर आप लोगों ने आईडीबीआई बैंक के शेयर्स को नोटिस किया होगा तो यहाँ पर काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं। जी एंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होने वाले हैं और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। कल सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर गुजरात गैस के शेयर्स में 3% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला है, क्योंकि फॉरेन रिसर्च फर्म ने इसको बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस बताया है 830 रुपीज। गुजरात गैस के शेयर जा सकते हैं 830 रुपए तक, तो सोचो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए ना, तो कर लीजिएगा। अगली अपडेट है एक्विजिशन के बारे में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 4.39% स्टेक अक्वायर किया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सब्सिडरी इंडियन गैस एक्सचेंज पर। इंडियन गैस एक्सचेंज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सब्सिडरी है और इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक बहुत बड़ा स्टेक बाय किया है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि कौन से कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको आपके आसपास देखना चाहिए कि आप कौन से कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं डेली लाइफ में और आपको उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि उन कंपनीज के शेयर्स डेफिनेटली ग्रो करेंगे। एग्जांपल के तौर पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं इंटरनेट की कंपनीज में, फूड कंपनीज में, फुटवेयर्स में, मेडिसिन में, मतलब कि फार्मा कंपनीज। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है जिसके ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा और वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है। एलएनटी कंस्ट्रक्शन ने बेंगलुरु में सबसे बड़े टाउनशिप को बिल्ड करने के प्रोजेक्ट्स के लिए बिड किया है और यहाँ पर देखना यह है कि इसके प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है। और एलएनटी के इस बिड की वजह से इस कंपनी के शेयर्स में 2.65% तक का राइज देखने को मिला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 9028 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है और क्रूड ऑयल के लिए पाइपलाइन बिल्ड करने वाला है। बेसिकली ये पाइपलाइन जो होने वाली है मुंद्रा से लेकर पानीपत के लिए होने वाली है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स की वजह से क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको किसी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो आपको प्रॉपरली डिविडेंड पे करेगी, तो आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता चला होगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट और फाइनेंसिस के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।